स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटर टॉक कार्तिक पार्लर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक मोटरसाइकिल के बारे में होने वाला है, बाइक के बारे में, और इस बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड 350। तो एक क्विक रिव्यू होने वाला है, एक वॉक अराउंड टाइप का। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्दी शुरू करते हैं। शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट डिजाइन से। तो रॉयल एनफील्ड में आपको एक बड़ा सा हेडलैम्प देखने को मिलता है जो हैलोजन बल्ब के साथ आता है, और इसके चारों तरफ ये ब्लैक रिंग जो एक ट्रेडिशनल लुक को फॉलो करती है, और ऊपर आपको ये दो इंडिकेटर्स दे रखे हैं। अब रॉयल एनफील्ड में समय के साथ ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, इस ये कारण है कि ये गाड़ी इतना ट्रेडिशनल और एक अपने रेट्रो लुक को मेंटेन करी हुई है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक विद ABS मिलता है फ्रंट में और रियर में दोनों में, और ये फ्रंट का अलॉय व्हील, शॉकर्स पूरी मेटल बॉडी में आती है रॉयल एनफील्ड। ये देख लीजिए इसका साइड प्रोफाइल, ये इसका 350cc इंजन। ये सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है जो 19.91 BHP प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी का रियर डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील। इस गाड़ी में आपको पिलियन राइडर के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है जिसे पकड़ के आराम से प्लेन राइडर कंफर्टेबली बैठ सकता है। अब ये गाड़ी के रियर लुक, जिसमें एक बड़ी सी आपको टेल लैंप और दो सिंपल से हेड इंडिकेटर मिलते हैं हैलोजन लैंप में। इसमें कोई भी किसी तरीके का LED सेटअप नहीं होता है। अब रॉयल एनफील्ड का जो फैन बेस है वो एक अलग ही कैटेगरी है, मतलब इसके कंपेयर में और इसके कॉम्पिटिशन में अभी तक कोई ऐसी बाइक नहीं है। जावा की है 42 और क्लासिक, पर इसका एक अपना ही गोल है। गाड़ी में आपको इंजन किल ऑन स्विच मिलता है, और गाड़ी के शॉकर्स भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। अब गाड़ी में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया हुआ है, इसका स्पीडोमीटर भी फुल्ली रेट्रो लुक और एनालॉग बोल सकते हैं आपको, डिजिटल किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं किया हुआ है। ये देख लीजिए इसका नीडल टाइप स्पीडोमीटर, और ये इसके कुछ लाइट्स के कंट्रोल, ये इंडिकेटर्स के कंट्रोल। अब इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 13.5 लीटर की है। गाड़ी की लेंथ आपको 2160 mm मिलती है, और हाइट आपको 1090 mm। इसका फ्रंट टायर R19 19x19 का मिलता है। रियर टायर आपको R18 120x80 सेक्शन में मिलता है। अब इसकी सीट टू पार्ट्स में डिवाइड होके आती है, और पर्टिकुलर सीट में एक सस्पेंशन कॉइल लगा हुआ आता है जिससे आपको कंफर्टेबल एक राइड मिले। पर आपको बैक डिस्क ब्रेक के लिए ऑयल फिल करने के लिए यहाँ पे कैप दिया हुआ है एक, और ये गाड़ी का सेल्फ। अगर आप इस गाड़ी को आपको हैंडल लॉक करना है तो आपको ओल्ड स्कूल टाइप लॉक करना पड़ेगा, जो अभी ट्रेंडिंग में है इग्निशन में ही जैसे लॉक हो जाती है वैसा इसमें नहीं मिलता है आपको। ये इस गाड़ी की है। अब चलो इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं और बताते हैं इसकी आवाज़ कितना बेस है इसकी आवाज़ में, इसके इंजन में।
ये तो रॉयल एनफील्ड 350 का एक वॉक कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।